हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सत्यम इन्फोटेक पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में, इसके क्या बेनिफिट है, क्या चार्जेस हैं एंड ये आपको कैसे मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपको 5% का कैशबैक पॉइंट मिलता है अगर आप इसके पार्टनर ब्रांड से शॉपिंग करेंगे, जैसे कि अमेजन, बुक माई शो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिप एंड स्विगी पर। लेकिन एक इसका मैक्सिमम लिमिट है जो कि है 1000 रुपीज़, यानी कि आप एक महीने में अप टू 1000 रुपये ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसमें आपको 1% का कैशबैक मिलता है कोई भी अनदर स्पेंड करने पे, लेकिन इसका भी एक कैपिंग पीरियड है जो है 1000 रुपीज़ इन अ मंथ, यानी कि एक महीने में केवल 1000 कैशबैक पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं। गाइस, इस कार्ड से अगर आप हर 3 महीने में 1 लाख रुपये स्पेंड कर देते हैं तो आपको 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर दिया जाता है। ये आपको एक साल में 4 बार मिलेगा एंड आपको 8 कम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्ग एक्सेस एनुअली के साथ आपको 0 लॉस्ट लायबिलिटी मिलती है, यानी कि अगर आपका कार्ड खो जाता है और आप कस्टमर केयर को तुरंत फोन करके बता देते हैं तो उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन आपके कार्ड से होता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक अपने ऊपर लेता है। कार्ड में आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेयर मिलता है। इस कैशबैक के लिए आपकी मिनिमम वैल्यू 400 एंड मैक्सिमम वैल्यू 5000 होनी चाहिए। इसमें आपको 250 रुपये तक का कैशबैक मिलता है। इस कार्ड में एक कैशबैक पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये के बराबर होती है। इस पॉइंट की वैलिडिटी 2 साल होती है, इससे पहले आपको यूज कर लेना है। अगर आप कैश पॉइंट को कैश में रिडीम करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम वैल्यू 500 रुपया होना चाहिए। HDFC बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस 1000 रुपये प्लस GST है एंड रिन्यूअल फीस 1000 रुपये प्लस GST है। अगर आप 1 लाख एक ईयर में स्पेंड कर देते हैं तो रिन्यूअल फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। आइए अब जान लेते हैं सैलरीड पर्सन के लिए इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो इसके लिए आपकी मिनिमम एज 21 ईयर एंड मैक्सिमम 40 ईयर होनी चाहिए। आपकी जो मंथली इनकम है वो 35000 प्लस होनी चाहिए। फॉर्म 16, सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ एंड आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 40 ईयर। आपका ITR होना चाहिए जो कि 6 लाख पर एनम का होना चाहिए। इसके अलावा आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए।